Hey guys, so once again welcome back to my channel. And आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना फेस केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं हमेशा तो नहीं करती हूँ, वीक में एक बार कर लेती हूँ और कभी कभार दो बार. सो आज मैं वही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या अपना फेस में यूज़ करती हूँ. सो मैं ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी कि मैं पहले कौन सा वाला करता हूँ और सेकेंड कौन सा. सो आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो पे, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक. सबसे पहले मैं ये यूज़ करने वाली हूँ ताकि मेरा फेस में कुछ ना, मेरे बाल में कुछ क्रीम वगैरह ना लग जाए. सो सबसे पहले जो भी क्रीम अप्लाई करने से पहले आप लोग अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और टॉवल को मतलब आराम से यूज़ कीजिए, रफली मत कीजिए क्योंकि आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे प्यार से यूज़ करना चाहिए जस्ट लाइक मी. सो सबसे पहले मैं ये स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे, जो कि है एप्री स्क्रब. अप्लाई करने से पहले सबसे पहले बाउल में थोड़ा सा पानी ले लीजिए क्योंकि ये अप्लाई करते समय पानी का बहुत ज़रूरत होता है. और इसको ऐसे क्रीम जैसा ही लेना है, ऐसे ज़्यादा नहीं, ऐसे लगा देना है, बहुत ही ईजी होता है. इसके बाद पानी लेके, थोड़ा पानी लेना है, बिना पानी के करोगे तो आपका चेहरा बहुत ड्राई हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी लेके आपको बस ऐसे करना है. और अगर बीच में आपको लग रहा है कि कम हो रहा है तो आप लोग वापस ले सकते हो, और इससे ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा नहीं तो आपका फेस भी ड्राई हो जाएगा. इतना हो सके थोड़ा आराम से कीजिएगा, ज़रा रफ, ज़्यादा देर भी नहीं करना है, मतलब बहुत रफली और ज़्यादा देर से बस 3-4 मिनट करना है आपको. सो वहाँ पर आईना रखा है, सो मैं वहाँ देख के करने वाली हूँ. आप तो ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया, मैंने हर जगह कर लिया जहाँ जहाँ में मुझे गंदा या तो कुछ भी नज़र आ रहा था. सो आफ्टर 3-4 मिनट्स आपको इसे क्लीन करना है, फिर से इसे वॉश करना है पानी से कीजिएगा. सो मैं ये पानी यूज़ करने वाली हूँ. सो मैंने फेस वॉश कर लिया. सो मुझे तो अपना फेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मिरर में ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा बहुत शाइन हो रहा है, शाइन कर रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से क्लीन हो गया मेरा फेस. और सेकंड में मैं चारकोल मास्क यूज़ करने वाली हूँ, और जिनके चेहरे पे ब्लैक हिट्स है या तो नाक पे है वो लोग ही इसे यूज़ कीजिए. मेरे पास ब्लैक हिट्स हर जगह तो नहीं है, बस नाक में है, तो इसे मैं सिर्फ नाक में अप्लाई करने वाली हूँ. और आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चारकोल, बट मैं चारकोल स्पेशली ब्लैक हिट्स के लिए ही कर रही हूँ. सो सबसे पहले मैं इसे मारूँगी ताकि मैं पतला सा ना निकले, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट में लगाया था तब इतना पतला हुआ था, निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं अभी इसे अभी मैं इसे अच्छे से शेक कर लूँगी. सो मैं इसे अभी अप्लाई कर रही हूँ चारकोल को. बहुत ही फनी लग रहे हैं, मैंने इसे ओनली नाक में अप्लाई किया क्योंकि मेरे नाक में सिर्फ ब्लैक हिट्स है, इसलिए. सो मेरा डन हो गया, और इसे मैं अब सूखने के लिए रखूँगी. और मैं माय गॉड एक्स्ट्रा लग गया, चलो मुझे लग रहा है कि मैं क्रीश लग रही हूँ. बस फर्क इतना है कि इसे यहाँ आँख में होना चाहिए था. सो यार गाइस, मेरा देखिए ये हो गया है, और अब मैं इसे रखूँगी 10 मिनट्स जब तक ये सूख नहीं जाते हैं, क्योंकि सूखने के बाद मुझे इसे निकालना है, तो इसे मैं भी सूखने के लिए रखती हूँ. एंड यार गाइस, आप लोगों को सूखने के बाद ही मिलती हूँ, बाय. मार्क्स बहुत ही अच्छे से सूख गया है, अभी आप लोग देख सकते हो, इसे मैं टच कर रही हूँ बाद, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सूख चुका है. सो अब इसे हम निकालते हैं. और मुझे फ़ोन में देख के निकालने में तकलीफ हो रहा था, इसलिए मैं आईना में देख के निकालूँगी. बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं हम सूखने के बाद, देखिए. बहुत ही अच्छे से निकल गया मेरा, ये देख सकते हो, ब्लैक थोड़ा बहुत निकल गया. अपने फेस को फिर से वॉश करूँगी मैं. सो
सो अब मैं लास्ट प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, ये फेस पैक जो कि है लोटस का। सो मैं ये लास्ट प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो कि है फेस पैक, वो भी फ्रूट का और ये लोटस कंपनी का। तो आखिरी में मैं ये फेस पैक यूज़ करने वाली हूँ जो कि है लोटस का, और इसे लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए कोई पानी वानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे अप्लाई कर देना है। और ये मैं हर साइड अप्लाई करने वाली हूँ। और ऐसे नहीं है कि आपको भी मेरी तरह ही यूज़ करना है, वो सबका अपना अपना चॉइस होता है। सो मैं जब भी यूज़ करती हूँ ऐसे ही यूज़ करती हूँ, अपने फेस को ऐसे ही केयर करती हूँ। बस फ़र्क ना होता है कि कभी कभी दूसरा पैक होता है दूसरा कंपनी का, और कभी कभी दूसरा फेस मास्क होता है। मैं बहुत सारा यूज़ करती हूँ, जब तक उसे वो ख़त्म नहीं होते हैं मैं उसे तब तक रगड़ती रहती हूँ, उसे यूज़ करती रहती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तब फिर नया लेने चली जाती हूँ, और जो मुझे मिलते हैं मैं खुद चॉइस करके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, मैं हर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो जो मुझे अच्छा लगता है। और बट मैं ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करती हूँ। सो मेरा हो गया है, सो मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और इसे ज़्यादा देर रखने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है ये, और इसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, जस्ट ये सूख जाएगा, एक बार में इसे वॉश कर देना है। बट जब मैंने चारकोल नाक में लगाया था उसके लिए मैंने 20 मिनट्स वेट किया था, क्योंकि वो सूख नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा था, बट फाइनली सूख गया था। सो अब ये जल्दी ही सूख जाएगा। सो अब इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद इसे डायरेक्ट वॉश करके मेरा फेस केयर रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छी तरह से अभी मेरा फेस सूख चुका है, और अब मैं इसे वॉश करने वाली हूँ। सो देखिए गाइस, मेरा स्किन बहुत ही शाइन कर रहा है, मुझे रियल में मतलब बहुत ही क्लीन लग रहा है, बट पता नहीं कैमरा में कैसा लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ग्लो कर रहा है मेरा फेस। अपना फेस केयर रूटीन कंप्लीट करने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि चेहरा बहुत ही ज़रा ग्लो कर रहा है, और किसी से भी मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं कि हमारा चेहरा इतना ग्लो कर रहा है। वो सब जस्ट मजाक था, सो आप लोग इसे सीरियस मत लीजिएगा, वो मैंने बस आप लोगों को हंसाने के लिए बोल दिया था। अपने चेहरे पे कुछ भी यूज़ करने के बाद फेस पैक फेस मास्क जो भी, उसके बाद उसे वॉश कीजिएगा, वो भी बिना फेस वॉश के, डायरेक्ट पानी से, सिंपल पानी से आप उसे वॉश कीजिएगा, और लास्ट में ये फेस मॉइस्चराइजर जरूर लगाएगा। ये मतलब ज़रूरी नहीं कि गार्नियर का ही होने, आप जो भी फेस मॉइस्चराइजर आप लोग के पास है उसे यूज़ कीजिएगा। सो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है मॉइस्चराइजर लगाते हुए। सो मेरा फेस केयर रूटीन कंप्लीट हो चुका है, और मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एक एक करके। और या गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, एंड लास्टली जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।